हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीषा। जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता पड़ गया होगा कि आज का इस वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है, गणेश चतुर्थी आने वाली है एंड हम ऑफ कोर्स यार कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपनी, ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते ना। तो या आपको स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिख रही होगी। मैंने पहले मिट्टी ली, मड ली, जैसे कि आपको पता है मेरा गार्डन है तो वहाँ से मैंने मिट्टी ले ली एंड उसके बाद उसको अच्छे से छान करके उसको मोल्ड करके मैंने गणपति बप्पा जी बना दिए हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू पेंट ऑन देम। मैं आपको दिखाती हूँ, दीज आर माई गणपति बप्पा मेड बाई मी। इन पे मैंने वॉर्निश का कोट अप्लाई कर दिया है जिससे कि इन पे जो कलर आएंगे, हम जो एक्रेलिक कलर करेंगे वो अच्छे से यूज हो पाएगा एंड उसका कलर अच्छे से निखर के आएगा, इसलिए मैंने इन पे पहले वॉर्निश का कोट कर दिया है। एंड ये पूरे मैंने मिट्टी से बनाए हैं। सो या गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इन पे जल्दी जल्दी पेंट कर देते हैं और आगे का वीडियो आपको टाइम लिप्स पे देखने को मिलेगा, इसलिए बंद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गणेश जी की मूर्ति ले ली है और इसके बाद आपको लेना है वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट वाइट कलर में, और इसके साथ में आपको ले लेना है एक ब्रश। और अभी मैं एक पूरा जो है कोट कर दूंगी गणेश जी की जो मूर्ति है उस पर पूरा कोट कर दूंगी वाइट पेंट से, जिससे क्या होगा कि जो कलर है वो उभर के आएगा। अब मैं कर रही हूँ स्किन कलर, पूरा कोट वाइट कलर मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम स्किन कलर भी अच्छे से करके आते हैं। सो गाइज, इधर मैंने स्किन कलर और शेडिंग प्रॉपरली कंप्लीट कर ली है। अब हम इधर ऑरेंज कलर से जो गणपति बप्पा है अपने, उनकी जो है धोती बनाएंगे। धोती का कलर ऑरेंज होता है इसलिए हम ऑरेंज कलर कर रहे हैं। सो यहाँ पर धोती का कलर तो कंप्लीट हो गया है। अब मैं ले रही हूँ एक्रेलिक कलर वाइट एंड यहाँ पर आईज भी मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दी एकदम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर हम रेड कलर लेंगे और जो धोती है उसमें कुछ सल वाली जो है शेडिंग वगैरह भी देंगे और हाथ में जो है तिलक लगाएंगे और सर पे इनका जो होता है वो करेंगे। देखिए लुक आ गया एकदम, इसको लगाने से एकदम लुक आ गया है अपनी मूर्ति में। और यहाँ पर देखिए, अब मैं जो धोती है उसमें शेडिंग दे रही हूँ जिससे कि थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। कितना सही लग रहा है ना फ्रेंड्स। अब मैंने लिया है पिंक कलर और पिंक में वाइट कलर मिला के इसका बहुत अच्छा पेस्टल पिंक कलर बना दिया है जो हमने पगड़ी में करा है। तो बस, और फिर हम पूरा पिंक कलर लेंगे एंड उसे ऐसे डॉट डॉट फॉर्मेट में इस पर लगा देंगे, जो होती है मुकुट कह सकते हैं अपन। ये देखिए, मैं अच्छे से पेंट कर रही हूँ एकदम, और जो बीच में मोती है उसका ध्यान रखते हुए कि उस पर कलर ना लग जाए। ये देखिए, क्विकली करेंगे। एंड नाउ फ्रेंड्स, अब हम येलो कलर लेंगे और जो लड्डू है इनके हाथ में, जो मोदक कह सकते हैं, जो मोदक है उनको हम कर रहे हैं कलर। अगर आपने नोटिस करा होगा तो साइड में हमने एक छोटा सा चूहा भी बनाया है जो गणेश जी का घोड़ा कहलाता है। सो नाउ इट्स ग्रीन कलर, जो हम नीचे जो है जिस पे गणेश जी, जो आसन है गणेश जी का जिस पर गणेश जी विराजमान है उस पर हम पेंट करेंगे। बहुत अच्छे से करना है। गाइस पेंट कंप्लीट हो गया है
और अब मैंने मतलब ऐसे थोड़ी सी मंडल वाली, डॉट मंडल वाली जो डिज़ाइन होती है वो इधर ऐड करने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मतलब अच्छी लगेगी, एकदम ट्रेडिशनल वाला लुक आएगा और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम ग्रीन के ऊपर ब्राइट येलो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए लुक आ चुका है एकदम। गाइस तो अब हम इनके जो चूहा है उस पर कलर करेंगे। पहले मैंने जो कलर करा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने ब्राउन करा तो उसको मैंने मिटा दिया था पहले करके। एंड ये देखिए फिर हम ले रहे हैं इधर मरून कलर, और ये देखिए मरून कलर से हम इस पर फिर से डॉटिंग कर देंगे। एंड आपने नोटिस करा हो तो मैंने जो शेडिंग है उसको डार्क कर दिया है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर डॉट मंडल वाला डिज़ाइन हो गया है इधर। एंड बहुत प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। अगर आप भी रिक्रिएट कर रहे हैं मेरी इस गणेश जी की मूर्ति को तो आप भी ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स लिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं इनकी जो ज्वेलरी है इसी से करूँगी। यहाँ पर मैंने जो गणेश जी के हाथ में जो आभूषण है उनके वो दोनों हाथ में लगा दूँगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दूसरे हाथ में भी हम लगाएंगे सेम। लुक आ चुका है इसको ऐड करने के बाद, बहुत प्यारा लग रहा है सच में। एंड बनाने के बाद तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ कि मैंने बनाया है। एंड पाँव में जो है मैं पाइजप अलग कलर के दे रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड यहाँ पर जो गले में हार है मैंने उसको ब्लू कलर की मोतियों से दिया है। एंड जो मोदक है उस पर मैंने आउटलाइन भी कर दी है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर गोल्डन पर्ल मेटेलिक शेड। एंड यहाँ पर हम इनका जो मुकुट है नीचे वाले हिस्से पे कर देंगे क्योंकि ये रह गया था। ज़रूरी नहीं है आप मेटेलिक कलर से ही करें, आप और भी कलर से कर सकते हैं लेकिन मेटेलिक कलर से अच्छा लुक आता है।